हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर एकदम व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने 3 टेस्ट कंप्लीट कर दिए हैं, टेस्ट 3, और ये तीनों टेस्ट हमारे एनसीएंट इंडिया के कंप्लीट हो चुके हैं। और आज टेस्ट नंबर है 4, जो कि एनसीएंट इंडिया का ही है, और टेस्ट नंबर 4 पर पहुंचने से पहले आप सभी जो भी नए अभ्यर्थी पहली बार चैनल को विजिट कर पा रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, लाइक्स भी करें, कमेंट भी करें। आइए, पहला सवाल हमारा टेस्ट नंबर 4 है। आज का जो पहला सवाल है वो है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है या चुनाव करना है। ऑप्शन ए दे रखा है, सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थी। सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थी। ऑप्शन बी दे रखा है, सिंधु सभ्यता का निर्माता भूमध्य सागरीय प्रजाति को ही मानना जाता है। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता निर्माण में जो आए थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के ही आए थे, इनको माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन सी है, मंगोलाइड प्रजाति के लोग विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये हमारा गलत आंसर है, क्योंकि रॉन्ग विकल्प या रॉन्ग आंसर पूछा है क्वेश्चन में, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र ना होकर ये उप हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं मंगोलाइड प्रजाति के लोग। डी ऑप्शन दे रखा है, अल्पाइन प्रजाति के लोग विशेष रूप से सिंधु क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज गलत विकल्प चुनना था तो मंगोलाइड प्रजाति लोग विशेषकर पूर्वोत्तर की जगह कहाँ पाए जाते हैं, उप हिमालय में, उप हिमालय रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इसका आंसर भी सी हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, प्रसिद्ध इतिहासकार अमलानंद घोष ने अपने शोध में सिद्ध किया है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की उत्पत्ति राजस्थान के बीकानेर में स्थित सौथी संस्कृति से हुई। करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये विकल्प सही है। साथ ही दूसरा ऑप्शन बी, प्रसिद्ध इतिहासकार अल्थिन और डीपी अग्रवाल ने लिखा है कि सोथी संस्कृति कोई अलग संस्कृति नहीं थी, बल्कि सिंधु सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप थी। मतलब कि जो सिंधु सभ्यता थी, जो इनिशियल एज में थी, तो उसी का रूप थी सोथी संस्कृति। किसने कहा? अल्थिन और डीपी अग्रवाल ने। ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया में 2 प्रमुख स्थान है, मुंडीगाक और शोरतुराई, जबकि यही ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का गलत होगा, गलत विकल्प चुनना है। मेसोपोटामिया ना होकर ये मुंडीगाक और शोरतुराई ये हमारे अफगानिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के 2 रीजन हैं, मुंडीगाक और शोरतुराई, मेसोपोटामिया के नहीं हैं। ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता के साक्ष्य पाकिस्तान के 3 प्रमुख स्थानों बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज रॉन्ग आंसर पूछा था, तो रॉन्ग आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया की जगह कहाँ के हैं ये 2 स्थान, ये है हमारे अफगानिस्तान के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन ए, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मेके, पिगाट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना है। करेक्ट। ऑप्शन बी, ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को माना है, यह भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, दयाराम सहानी, आर एस टाइक्स, जॉर्ज एफ डेल्स, एच टी लैम्बिक सिंधु सभ्यता के पतन का कारण
भूतात्विक परिवर्तनों को माना है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें डी दे रखा है, नन ऑफ दीज, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, और ऑप्शन डी इसमें से इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी है। तो इसका जो राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर, क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा था, जबकि चारों ऑप्शन में से डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इनमें से तीनों में से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कोटडीजी नामक प्राचीन स्थल से मिली है। ऑप्शन बी, कालीबंगा से 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ऑप्शन जी 3, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की खोज आरडी बनर्जी ने की थी। 4, सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन आरपी चंद्र ने किया था, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन जो 5वां विकल्प है हमारा, मिथाथल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ, ये गलत है। मिथाथल ना होकर कहां से धोलावीरा, ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से, कहां से धोलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा एक लघु शिलालेख प्राप्त होता है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा सही है, ऑप्शन ए 1, 2, 3, जबकि ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी दे रखा है 2, 3, 4, ये ही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और सी में दे रखा है 1, 3, 4, 5, और डी में दे रखा है उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 2, 3, 4। 4 क्या है, पहले में कहा था हड़प्पा सभ्यता की खगोलीय वेधशाला, पहली वेधशाला कोटडीजी ना होकर धोलावीरा में नामक प्राचीन स्थल पर मिली है। कहां पर, कोटडीजी ना होकर कहां पर मिली, धोलावीरा प्राचीन स्थल से प्राप्त हुई। कालीबंगा से 7 अग्निकुंडों के साक्ष्य प्राप्त हुए, जबकि कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ऑप्शन 3, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की खोज आरडी बनर्जी द्वारा की गई थी। ऐसे ही सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन आरपी चंद द्वारा किया गया, और ये तो मैंने अभी बताया ही है कि मिथाथल ना होकर धोलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों के लिखा एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, मोहनजोदाड़ो और लोथल की एक मुहर पर उकेरे गए चित्र में एक आदमी को 2 बाघों से लड़ता हुआ दिखाया गया है। कहां से, मोहनजोदाड़ो और लोथल से, तो ये राइट आंसर है, मतलब कि राइट है ये विकल्प। नेक्स्ट, गलत विकल्प चुनना है हमें, जबकि नेक्स्ट है, आमरी से हड़प्पा सभ्यता की पकी हुई मिट्टी के तराजू प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, आमरी से, जबकि ये गलत ऑप्शन है और गलत ही ऑप्शन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये आमरी ना होकर कहाँ से है, ये है हमारा कहाँ से, कालीबंगा। और कालीबंगन से हड़प्पा स्तर की पकी हुई मिट्टी के तराजू प्राप्त हुए हैं, तो आंसर मिल गया सी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या रही, सूती कपड़ा के उत्पादन की थी, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने ही सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। क्लियर, ये राइट है, ये विकल्प भी राइट है, और जो हमें आंसर देना था वो था ऑप्शन बी, क्योंकि आमरी ना होकर कालीबंगन हड़प्पा स्तर से कि पकी हुई मिट्टी के तराजू प्राप्त हुए, ना कि आमरी से। ऑप्शन डी इसका क्या है, ये भी राइट है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर बाई ओर गेंडा
भैंसा तथा दाहिनी ओर हाथी बाघ एवं हिरण पाए जाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, सही विकल्प का चयन करना है। पहला, ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल नवीनतम मंडल है, यह भी सही है। बी, दूसरा ऑप्शन, वैदिक संस्कृति में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यह भी करेक्ट है। 3, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था, यह भी करेक्ट है। ऑप्शन 4, ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे पुराना है, यह भी करेक्ट है। ऑप्शन 5, सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, तो यह भी करेक्ट है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए है केवल 1, 2, 3, केवल बी है 1, 2, 3, 4, सी है केवल 2, 3, 4, 5 और डी है उपरोक्त सभी। जो हमारा राइट आंसर है, उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए पहला दे रखा है इसमें, विकल्प ए, अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रिया कहा गया है, करेक्ट। पहला करेक्ट है। दूसरा, यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का वर्णन प्राप्त होता है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, तीसरा, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 4, ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है, यहां तक का तो ठीक है, और इंद्र का सर्वाधिक वर्णन हुआ, यह भी ठीक है, लेकिन 200 बार ना होकर कितनी बार हुआ, 250 बार, तो इसलिए ऑप्शन 4 इज द रोंग आंसर। तो ऑप्शन 4 इज द रोंग आंसर। तो कितने सही हो गए? विकल्प ए में रखा है ऑप्शन 1, 2, 3, तो ये राइट आंसर है। बी में रखा है 2, 3, 4, सी में रखा है 3, 4, तो हमने ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया हमारा, और डी में रखा है उपरोक्त सभी, जबकि राइट आंसर क्या है, ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, सही विकल्प का चुनाव करना है। एक तरफ प्राचीन नाम है और एक तरफ आधुनिक नाम दिए हुए हैं। अस्कनी स्वात, विपाशा गंडक, परुष्णी रावी। परुष्णी को रावी ही कहा जाता था। परुष्णी नदी प्राचीन टाइम में परुष्णी नदी कही जाती थी, जो वर्तमान समय में रावी नदी के नाम से विख्यात है। स्वात नदी किसको कहा जाता था? स्वास्तु, प्राचीन नाम स्वास्तु था, स्वात आज का वर्तमान टाइम है। अस्कनी प्राचीन नाम है, अस्कनी चेनाब का नाम था, चेनाब नदी का, वर्तमान में चेनाब नदी है। गंडक सदानीरा प्राचीन नाम है। विपाशा व्यास नदी, जो वर्तमान में व्यास नदी है ना, उसको प्राचीन टाइम में विपाशा कहा जाता था। वितस्ता एवं सतलज, सतलज का प्राचीन नाम था सुत्रुदी, और वितस्ता का था झेल। क्लियर। तो पुरुषनी रावी नदी का नाम था, ठीक है, इसमें ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध संघ के पदाधिकारियों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए आर्मिक, निर्माण इनके सामने दे रखा है, निर्माण एवं वास्तुकला से संबंधित अधिकारी होते थे। बी भंडागारिक, खाने पीने की व्यवस्था सामग्री से संबंधित अधिकारी होते थे। सी
कप्पी कारक माल की बिक्री एवं खरीद से संबंधित अधिकारी होते थे। डी चीवर वस्त्रागार करने वाला अधिकारी होता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो इसमें चीवर तो वस्त्रागार के करने वाला अधिकारी ही होता था, कपी कारक माल की बिक्री एवं खरीद से संबंधित अधिकारी होता था, जबकि भंडागारिक खाने पीने की व्यवस्था सामग्री से संबंधित अधिकारी होता था। आर्मिक जो होता था आर्मिक मनोरंजन एवं विश्राम से संबंधित ऑफिसर होता था यानी अधिकारी होता था। ठीक है, तो निर्माण एवं वास्तुकला से संबंधित अधिकारी कौन होता था भैया? तो ये नवकंबिक होता था। कौन? नवकंबिक होता था। नवकंबिक कौन होता था? नव निर्माण एवं वास्तुकला से संबंधित अधिकारी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्या पूछे, गलत विकल्प का चयन करना है। तो आर्मिक जो है निर्माण एवं वास्तुकला से संबंधित अधिकारी नहीं होता था। तो आर्मिक कौन होता था? मनोरंजन एवं विश्राम से संबंधित अधिकारी, जबकि नवकंबिक कौन होता था? निर्माण एवं वास्तुकला से संबंधित अधिकारी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ बोध संगति दी हुई है, चार बोध संगति हुई थी और किसके समय में हुई थी ये दे रखा है दूसरी साइड। प्रथम बोध संगति हुई थी हरियक राजवंश के समय में, दूसरे में दे रखा है द्वितीय बोध संगति हुई थी शिशुनाग राजवंश के समय में। क्लियर। तीसरा दे रखा है तृतीय बोध संगति कुषाण वंश के संबंध में, चतुर्थ बोध संगति मौर्य वंश के संबंध में, जबकि तृतीय बोध संगति मौर्य वंश के संबंधित हुई थी। तीर्थ बोध संगति मौर्य वंश के समय में हुई थी और चतुर्थ कुषाण वंश के समय में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन देखेंगे अभी क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे केवल एक और दो, ये ही राइट आंसर है, क्योंकि पहली हुई थी हरियक वंश के समय में और दूसरी हुई थी कब, ये हुई थी आपकी शिशुनाग वंश के समय में। ऑप्शन बी 2-3 गलत, ऑप्शन सी 3-4 गलत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ये भी गलत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी मैंने आपको बताया कि एक और दो इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। देखो पहली जो बोध संगति हुई थी ना, पहली बोध संगति हरियक वंश के समय में अजात शत्रु के समय में हुई थी। किसके? अजात शत्रु। थोड़ी सी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन भी ले लो, अजात शत्रु। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? महाकश्यप जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी प्रथम बोध संगति की। द्वितीय बोध संगति जो हुई थी वो शिशुनाग वंश के समय में हुई थी और सभा कामी द्वारा अध्यक्षता की गई थी और कालाशोक राजा के समय में हुई थी। ठीक है, तृतीय बोध संगति मौर्य वंश से संबंधित है और तृतीय बोध संगति मौर्य वंश के अशोक राजा के समय में हुई थी, अशोक सम्राट अशोक के टाइम में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी और इसमें अध्यक्षता करी थी मोगलिपुत्र तीसने, मोगलिपुत्र तीसने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, क्लियर। चतुर्थ बोध संगति हुई थी कुषाण वंश के समय में और कहां पर हुई थी? कनिष्क राजा थे कुषाण वंश के, उनके समय में हुई थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए उत्खननों के आधार पर पता चला है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्ध चंद्राकार था।
करेक्ट है। ऑप्शन बी चंपा बुद्ध काल का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य था। ये चंपा न होकर कौन सा था? वैशाली। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। तो हमने हमारा जो क्वेश्चन था उसमें गलत विकल्प चुनना था, तो हमारा ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा, क्योंकि चंपा यहाँ पे गलत दे रखा है। कौन सा नगर था? यह हमारा वैशाली गणराज्य था। फिर भी ऑप्शन सी, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ राजवंश था। ठीक है, ऑप्शन डी, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, यह हरियक वंश से संबंधित था। ठीक है, यह भी ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था, ना कि चंपा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12, गलत विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए, दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी, वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, सुत निपात में गंधार राज्य को मगधपुरम कहा गया, ये गलत है। गंधार राज्य को ना कहकर सुत निपात में कौन से को? वैशाली राज्य को, वैशाली राज्य को मगधमपुरम कहा गया है। किसको? वैशाली राज्य को। ऑप्शन डी, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन पर जरूर ध्यान देंगे कि क्या कह रहा है। दीर्घ निकाय में चंपा नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी, करेक्ट है ये। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था, यह भी सही है। जबकि क्वेश्चन में गलत आंसर बताना है हमें कि कौन सा गलत विकल्प है, कि सुत निपात में गंधार राज्य को मगधपुरम कहा गया, ये गलत है। किसको कहा गया था? वैशाली को। ठीक है, अभी जो 16 महाजनपद थे उनमें से 8 महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, इस पर ध्यान देंगे। कौन कौन से हैं? काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पांचाल, सूरसेन तथा चेदीवंश। ये चार, तो सॉरी ये 8 महाजनपद वर्तमान समय में 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। क्लियर। अब आपका एक काम है, इन 8 महाजनपदों की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित को कलानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला याज्ञवल्क्य के स्मृति, दूसरा नारद स्मृति, सबसे पहले आई थी मनुस्मृति। मनुस्मृति कब? 200 BC से 200 AD के बीच। ठीक है, फिर आती हमारी याज्ञवल्क्य स्मृति, जो कि 100 BC से 300 AD तक। ठीक है, फिर आते हमारी नारद स्मृति, जो कि 300 BC से 400 AD तक। तो मनुस्मृति पहले नंबर पे, याज्ञवल्क्य के दूसरे नंबर पे, नारद स्मृति तीसरे नंबर पे, चौथी है पराशर स्मृति। इसका जो टाइम पीरियड है वो 300 BC से, बीसी मतलब ईसा पूर्व से 500 AD। फिर आती है हमारी बृहस्पति स्मृति, तो इसका टाइम पीरियड भी 300 BC से
500 AD है। अब इन्हें कलानुक्रम में लगाना है, तो इसमें पहले पे आएगी याज्ञवल्क्य, दूसरे पे आएगी नारद स्मृति, तीसरे पे आएगी पराशर पाराशर, चौथे पे आएगी बृहस्पति। क्लियर। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए में दे रखा है 4321, बी में दे रखा है 3412, सी में दे रखा है 2314, ऑप्शन डी में दे रखा है 1234। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हमारा ए हुआ, 4321। अभी हमने देखा पहले कौन सी आई, पहले हमारी बृहस्पति स्मृति, फिर उसके पश्चात हमने देखा पाराशर स्मृति, फिर उसके पश्चात नारद स्मृति, फिर देखा हमने याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसका टाइम पीरियड याज्ञवल्क्य का भी देख लिया है 100 से 300, और नारद का भी देख लिया 300 से 400, पाराशर का 300 से 500, बृहस्पति का 300 से 500, 300 ईसा पूर्व से 500 AD तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्म सूत्र में 8 प्रकार के विभाव का वर्णन मिलता है, इसके संबंध में सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला असुर विवाह, इसमें कन्या का पिता वर को कन्या का मूल्य लेकर अपनी कन्याओं से बेच देता था, ये करेक्ट है। क्वेश्चन में पूछा सही विकल्प, तो ये सही है, फिर भी अन्य विकल्प देख लेते हैं। बी ऑप्शन बी, पिशाच विवाह, इसमें प्रेम विवाह कहा, इसमें प्रेम विवाह, इसे प्रेम विवाह कहा जाता है, ये गलत, जबकि प्रेम विवाह जिसमें होगा उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। ऑप्शन सी गंधर्व विवाह, इसे अपहरण विवाह भी कहा जाता है, ये भी गलत है, अपहरण विवाह राक्षस विवाह को कहा जाता है। ऑप्शन डी राक्षस विवाह, जबरदस्ती एवं बलात्कार आदि करके किया गया विवाह, इसको जबकि पिशाच विवाह कहा जाता है, ये एक्सचेंज कर रखे हैं आपस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा असुर विवाह, इसमें कन्या का पिता वर को कन्या का मूल्य लेकर अपनी कन्या उसे बेच देता था। ठीक है, नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए मध्य पाषाणकालीन स्थल दमदमा में, दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए, प्राप्त किए गए कहां से, दमदमा में, दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त किए हैं। ऑप्शन बी यानी सेकंड, चोपानी मांडो से जंगली चावल के प्रमाण प्राप्त किए गए। ठीक है, ऑप्शन ए भी ठीक है, क्योंकि दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए, ये भी ठीक है, और ऑप्शन बी भी मतलब दो सेकंड भी ठीक है। अब विंध्य क्षेत्र के लेख या शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त किए गए। ऑप्शन चार, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु तांबा थी, ये भी करेक्ट है। अब विकल्प देखते हैं, विकल्प एक में केवल 1-2, बी में केवल 2-3, सी में केवल 3-4 और डी में उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी यानी डी इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली धातु तांबा थी, तांबा के पश्चात लोहा आई, तांबा के पश्चात सॉरी कांसा आई है ना, ब्रॉन्ज, और उसके पश्चात हमें लोहा प्राप्त हुआ, और सेकंड में कह रहा है विंध्य क्षेत्र से लेख ही या शिलाश्रय सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त किए गए, कहां से, विंध्य क्षेत्र के लेख या शिलाश्रय से। सेकंड है चोपानी मांडो से जंगली चावल के प्रमाण प्राप्त किए गए, कहां से, चोपानी मांडो से। पहला आपने देख ही लिया मध्यकालीन मध्य पाषाणकालीन स्थल दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए किए गए। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का नन्ना मुन्ना सा लेक्चर, टेस्ट नंबर 4, जो कि अच्छे से भली भांति आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट करें। आशा है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर टेस्ट नंबर 5 से 5 में आपको, और इस बार जो टेस्ट होगा आपका मिडाइवल हिस्ट्री का होगा, मध्यकालीन भारत के इतिहास का। तो आप धैर्य बनाए रखिए और निरंतर निरंतर पढ़ाई करते रहिए। अक्टूबर में आपका, अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका UPPCS का प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बने रहिए आप श्री एजुकेटर यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी का धन्यवाद।